खरीदने और बेचने की तो अब आपको आदत सी हो गई है, करेक्ट। बाय और सेल ऑप्शन का तो अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सचेंज 22 के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं जैसे मैं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन आज मैं आपको एक और नए फीचर के बारे में थोड़ा सा रूबरू करवाना चाहता हूं। फीचर है मल्टी बैगर, यानी कि कम पैसों में आप निवेश कीजिए, शेयर्स को आप होल्ड कीजिए और फिर मल्टीपल टाइम्स आपको मुनाफा हो सकता है। प्लीज स्टे विद मी, आई विल टेल यू कि मल्टी बैगर का जो ऑप्शन है ना एक्सचेंज 22 में, वो उसका स्टॉक मार्केट। आ जाओ जरा समझा दो मल्टी बैगर के बारे में। देखिए एक्सचेंज 22 ऑफ कोर्स अब आपके लिए नाम नया तो है नहीं, इसके साथ आपने ऑफ कोर्स डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं किया तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इसमें बाइंग एंड सेलिंग का ब्यूटीफुल ऑप्शन दैट इज अवेलेबल। आप अपने खिलाड़ियों को सिंगल प्लेयर्स को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और उनके अनुसार आप पैसे कमा सकते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल। लेकिन आज जिसके बारे में बात करूं वो है मल्टी बैगर, यानी कि हम कम पैसों का निवेश कीजिए पर आपको मुनाफा ज्यादा हो सकता है। आपके साथ साथ ना आई एम गोइंग टू पिक माय ऑप्शंस, माय शेयर्स इन द मल्टी बैगर ऑप्शन, तो मैं आपके साथ साथ पिक करने वाला हूं। लेट्स गो थ्रू इट टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐप को फटाफट से डाउनलोड करके जब खोलते हैं तो KK वर्सेज LQ का मैंने मैच पिक किया है। ये पाकिस्तान T20 लीग में बाबर आजम को मैं पसंद करता हूं, तो मैंने उनके 10 शेयर खरीद लिए। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में बाबर आजम कुड एक्चुअली बी द हाईएस्ट पॉइंट टेकर, मतलब सबसे पॉइंट इनके हो सकते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं। मुझे फखर जमान मुझे बहुत पसंद है, मुझे डेविड वीजा बहुत पसंद है। ओके लेट मी गो फॉर फखर जमान। फखर जमान को यहां पर खरीद रहा हूं, मैंने इनके भी 10 शेयर को होल्ड कर लिया एट जस्ट 10 रुपीज अ पीस। तो इसका मतलब काफी सस्ते हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। और इसके नीचे भी कुछ वैल्यूज लिखे हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले मैं जरा अपनी खिलाड़ियों को पिक कर लूं। डेविड वीजा एन ऑलराउंडर, पाकिस्तान T20 लीग में हमेशा अच्छा करते हैं। इनके भी मैंने 10 शेयर्स को 10-10 रुपए में मैंने इनको भी रोक लिया है। अब ये कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको आइडिया कराता हूं कि ये क्या इसके नीचे लिखा हुआ है। देखिए बाबर आजम के नीचे क्या लिखा है, लगभग 15% लोगों ने इनको होल्ड किया है और रिटर्न जो है वो 5.10 टाइम्स है। इसका अर्थ क्या है कि बहुत सारे, जितने ज्यादा लोग एक शेयर को होल्ड करते हैं उतने आपके रिटर्न्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स में उतने कम हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आप उनके इर्द गिर्द ही आप पाएंगे कि जैसे अब जो क्लाक है फॉर एग्जांपल, सिर्फ 5% लोगों ने इनको होल्ड किया है, अगर 5% लोगों ने होल्ड किया तो वहां पे 15 टाइम्स का रिटर्न आपको आ सकता है। तो इसका फंडा इज वेरी सिंपल, व्हेन यू गो टू द मल्टी बैगर ऑप्शन, जब आपने पिक किया आपको उन खिलाड़ियों को पिक करना है, उनके शेयर्स को होल्ड करना है जिनको आपको लगता है मैच के अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एक ही जीतेगा, उसमें कोई 3-4 नहीं होने वाले, दो भी हो सकते हैं भाई अगर दो खिलाड़ियों के बराबर पॉइंट्स हैं, पर आपको उन खिलाड़ियों को या उस खिलाड़ी को पिक करना है जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द गेम मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है मैंने बाबर आजम को पिक कर लिया, मैंने डेविड वीजा को पिक कर लिया, मैंने फखर जमान को पिक कर लिया, तो मैंने तीन लोगों को पिक किया है। सिर्फ 10-10 रुपए मैंने होल्ड कर लिया है शेयर। ऑफकोर्स अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं होता तो मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, that's वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने रिस्क कम लिया है इसलिए मेरा रिवॉर्ड मतलब यहाँ पे पैसे अगर कम लगाए हैं तो फिर रिवॉर्ड उस हिसाब से होगा। अगर इन तीनों में से कोई नहीं करता है सो बी इट, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, that's it। अब इसी में एक और ऑप्शन है और इसके बाद एक और ऑप्शन है मल्टी बैगर के अंदर, स्विच टू प्रीमियम आप नीचे देख सकते हैं। तो अगर आप स्विच टू प्रीमियम करते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है, अब हर शेयर का प्राइस जो 50 रुपए हो गया, यानी कि आपका रिस्क जो है थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि अब खिलाड़ी भी कम हो गया। अब इसमें कोई ज्यादा खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ 5 खिलाड़ी है। अब इनमें से आपको किसको लगता है, पहले आपके पास इतने सारे 15-20 खिलाड़ी थे उनमें से आपको पिक करने थे, मतलब आप 1-2-3 कितने भी पिक कर सकते हैं, मतलब दैट्स एंटायरली अप टू यू, पर वो 10 रुपए में आप एक शेयर को होल्ड कर सकते थे। यहां पे एक शेयर को होल्ड करने के लिए आपको 50 रुपए लगने वाले हैं, यानी 50 रुपए आपको होल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ 5 ही ऑप्शन है, अगर आपने इनमें से 2 या 3 अगर आपने पिक कर ली उनमें से किसी के एक के बनने के चांसेस ऑफकोर्स ज्यादा हो जाएंगे, पर रिटर्न जो है फिर वो उतना नहीं है। मल्टीपल टाइम्स में जैसे हमने देखा था जो क्लॉक का वो 15 टाइम्स था आ रहा था, यहां पर 15 टाइम्स नहीं आने वाला है। यहां पर लोग होल्ड ज्यादा कर रहे हैं, रिटर्न जो है वो थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है अगर आपका जो बंदा है जो आपने पिक किया आपकी मल्टी बैगर प्रीमियम मल्टी बैगर जो ऑप्शन है अगर वो नंबर 1 पे रहते हैं और आपको पैसे मिलते हैं तो ऑफकोर्स मल्टीपल्स में मिलेंगे जरूर, पर वो 10-15-20 गुना जो आपको नॉर्मल मल्टी बैगर में मिल रहे थे वो प्रीमियम मल्टी बैगर में नहीं मिलेंगे। पर बड़ी सिंपल सी बात है, प्रीमियम मल्टी बैगर में आपको 5 में से किसी 1 या 2 को चुनना है या 3 को चुनना है, 5-6-7 मतलब ज्यादा नहीं होती ऑप्शंस, और वो वहां पे 15-20 में से आपको किसी को चुनना है। तो अगर आपके ऑप्शंस कम हो गए तो फिर रिस्क कम हो गया, रिस्क कम हो गया तो रिवॉर्ड जो है वो उतना ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला, इट्स एज सिंपल एज दैट। पर मल्टी बैगर के लिए एक और ऑप्शन है विच इज आप जितने भी पॉइंट्स आप एकत्रित करते रहेंगे मल्टी बैगर में, जब भी आप जीतते रहते हैं हर मैच में आप खेलते हैं, आप जीतते हैं खेलते हैं जीतते हैं खेलते हैं जीतते हैं,
लीडर बोर्ड में आपका नाम जो है वो हमेशा एक बार जमा होता रहेगा। जैसे लीडर बोर्ड में आपका जमा होता रहेगा नाम, तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन है। सी बीच में आपको लीडर बोर्ड का एक स्टार नजर आता है, राइट, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मल्टी बैगर के आपके सारे पॉइंट्स वहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, चाहे वो पाकिस्तान टी20 लीग हो या फिर आने वाली कोई और लीग हो जिसके अंदर ये लीडर बोर्ड का ऑप्शन उपलब्ध है, तो वहां पे 1, 2, 3, 4 के इनाम जो है वहां पे आपको अलग से मिलने वाले। मतलब जो जीत रहे हो तो जीत ही रहे हो मल्टी बैगर में, प्रीमियम मल्टी बैगर में, पर अगर लीडर बोर्ड में आप नंबर 1, 2, 3 पे आते हैं या 4 पे आते हैं, अगर आपने वो देखे कि इतने यहाँ यहाँ पे इतने इतने इनाम मिलने वाले हैं, कई बार आईफोन 13 प्रो मैक्स ये वो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर, तो प्लीज वो भी आपके साथ पॉइंट्स में जुड़ता रहता है। दैट ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर मल्टी बैगर एंड प्रीमियम मल्टी बैगर, इट इज नॉट देयर फॉर बाय एंड सेल। सो अब मेरे विचार में आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं तो खेल ही रहा हूँ, मल्टी बैगर भी खेलता हूँ, बाय एंड सेल भी करता हूँ, प्रीमियम मल्टी बैगर में भी करता हूँ। यहाँ पे मैंने भी प्रीमियम मल्टी बैगर में अपने दो खिलाड़ियों को पसंद कर लिया है, तो उम्मीद यही है कि अच्छा करेंगे, हम भी जीतेंगे, आप भी जीतेंगे और सारे मिलके जीतेंगे। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो डाउनलोड द ऐप एंड नाउ यू अंडरस्टैंड बाइंग एंड सेलिंग। प्रीवियस वीडियो द लिंक इज हियर एज वेल, एंड मल्टी बैगर, प्रीमियम मल्टी बैगर, लीडर बोर्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट नाउ। तो जरा फटाफट से एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट आ जाना मेरे यार।